जिया सिंह इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मेसी, पारासराय, धोंदी, लहरपुर रोड, सीतापुर। सत्र 2023-24 के लिए प्रवेश प्रारंभ। डी फार्म, बी फार्म, पीजी डिप्लोमा इन जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन, पीजी डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन। नमस्कार, मैं हूं बबीता सिंह और दर्शकों के अभिवादन के साथ शुरू करते हैं इंडिया का खास शो खबरनामा। सुर्खियों वाले खबरनामे का आगाज दिन भर की बड़ी खबरों के साथ। आज के खबरनामे में सबसे पहले बात करेंगे पीएम मोदी की उस गारंटी की जिससे बढ़ सकती है सपा बसपा की मुश्किलें, यूपी में जनप्रतिनिधियों की बढ़ी विधायक निधि की, और जानेंगे लखीमपुर सीतापुर सहित पड़ोसी जिला के लिए मौसम विभाग द्वारा जारी अलर्ट की। खबरनामे के अंत में जानेंगे वाराणसी के सर्व सेवा संघ भवन को लेकर छिड़े विवाद की, लेकिन सबसे पहले एक नजर सुर्खियों पर। पुरानी पेंशन बहाली को धार देने में जुटे संगठन घेरेंगे संसद। बेसिक शिक्षकों को मिलेगा तबादले का एक और मौका। पेंशन घोटाले में वित्त सेवा के दो अधिकारी हुए बर्खास्त। राजकुमारियों और उनके बेटों पर चोरी का केस हुआ दर्ज। सीएम योगी के अवैध धर्मांतरण वाले बयान पर सपा सांसद विधायक ने किया पलटवार। अस्पताल के डिस्चार्ज होने के पहले भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर ने मांगा सीएम योगी का इस्तीफा। 500 के नोट की गड्डिया से खेलते थानेदार के बच्चों का वीडियो हुआ वायरल। सीतापुर और लखीमपुर में हर्षोल्लास और शांति के साथ मनाया गया बकरीद का त्यौहार, भ्रमण करते रहे अधिकारी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक गारंटी सपा और बसपा दोनों के लिए मुसीबत का सबब बन सकती है। पीएम मोदी ने एक कार्यक्रम के दौरान जिस तरह विपक्षी दलों को निशाने पर लिया और घोटालेबाजों पर समुचित कार्रवाई की गारंटी ली, उसने यूपी की सत्ता में रहे सपा और बसपा दोनों दलों के लिए एक नई मुश्किल खड़ी हो सकती है। अब सपा और बसपा की सरकारों में हुए आधा दर्जन से ज्यादा घोटालों की जांच में और भी ज्यादा तेजी आने की संभावना व्यक्त की जा रही है। बताते हैं कि लोकसभा चुनाव से पहले जांच एजेंसियां इन घोटालों में कड़ी कार्रवाई कर सकती हैं। बता दें कि सपा की अखिलेश सरकार में हुए गोमती रिवर फ्रंट और खनन घोटाले की जांच सीबीआई और ईडी दोनों एजेंसियां कर रही हैं। रिवर फ्रंट मामले में सिंचाई विभाग की 8 अधिकारियों के विरुद्ध नामजद रिपोर्ट दर्ज हो चुकी है। इस जांच का असर तत्कालीन सिंचाई मंत्री शिवपाल यादव पर भी हो सकता है। सीबीआई ने शिवपाल यादव से पूछताछ की अनुमति मांगी भी थी। इसी तरह खनन घोटाले में भी हाईकोर्ट के आदेश पर सीबीआई जांच चल रही है। इसी मामले में सपा सरकार के पूर्व मंत्री गायत्री प्रजापत जेल में है। ईडी भी खनन घोटाले की जांच कर रही है। बसपा शासन काल में हुए 1100 करोड़ रुपए के चीनी मिल बिक्री घोटाले की सीबीआई जांच चल रही है। इस मामले में बसपा सुप्रीमो मायावती पर भी उंगलियां उठती रही हैं। इसके अलावा 1400 करोड़ के स्मारक घोटाले में भी पूर्व के बसपा नेता और उस समय मायावती के बेहद करीबी रहे नसीमुद्दीन सिद्दीकी और बाबू सिंह कुशवाहा नामजद आरोपी हैं। इसके अलावा सपा और बसपा सरकार के और भी कई मामले हैं जिनकी जांच सीबीआई या ईडी कर रही है। पीएम मोदी के इस रुख और सीएम योगी आदित्यनाथ की भ्रष्टाचार के विरुद्ध सख्त नीति को देखते हुए अब इन सभी मामलों की जांच में तेजी आ सकती है। यूपी के जनप्रतिनिधि अरसे से जिसकी मांग कर रहे थे, अब उसके पूरा होने का रास्ता साफ हो गया है। अब यूपी विधानमंडल में एमएलए और एमएलसी को 5 करोड़ रुपए निधि के तौर पर मिलेंगे। जनप्रतिनिधि पिछले 1.5 साल से इसकी राह देख रहे थे। वैसे ऐसी घोषणा गत वित्तीय बजट में हुई थी, लेकिन तकनीकी कारणों के चलते 3 करोड़ रुपए की निधि से संतोष करना पड़ा था। इस बार भी पहली किस्त 1.5 करोड़ रुपए भी जारी हुई थी, लेकिन बुधवार को कोई कैबिनेट बैठक में इसके लिए संशोधन को मंजूरी दे दी गई है। इस नई व्यवस्था की खास बात यह भी है कि अब किसी कार्य के लिए एमएलए और एमएलसी मिलकर योजना बना सकेंगे और धनराशि जारी कर सकेंगे। अब किसी भी बड़ी अवस्थापना सुविधा के लिए 25 लाख रुपए की रकम दी जा सकेगी। पहले 25 लाख अधिकतम थी, बदली हुई व्यवस्था में यह अनिवार्य कर दिया गया है कि जब जिस किसी भी काम की स्वीकृत विधायक एमएलसी देते हैं, उसको स्वीकृत होने के अधिकतम 3 महीने के अंदर काम शुरू होगा। इस व्यवस्था में कृषि उपकरणों और गौ एम्बुलेंस की खरीद अनुदान की व्यवस्था भी की गई है। इसके अलावा जनप्रतिनिधि अपनी निधि का इस्तेमाल सामुदायिक भवन, पंचायत घर, बारात घर, ग्रामीण संपर्क मार्ग, सौर ऊर्जा स्थापना, ऐतिहासिक और पर्यटन स्थलों तथा तालाबों का पुनर्उद्धार
पौधरोपण पार्क निर्माण, जिम और स्वच्छता उपकरणों की खरीद में भी कर सकेंगे। लोकसभा की चुनावी वेला को अपने आंदोलन के लिए मुफीद मानते हुए कर्मचारी संगठनों ने पुरानी पेंशन बहाली की मांग को और तेज करने का निर्णय लिया है। अब कर्मचारी संगठन अपनी लड़ाई को संसद तक ले जाने की तैयारी में जुट गए हैं। इसके लिए शिक्षक कर्मचारी संगठन मानसून सत्र में संसद का घेराव करेंगे। यह निर्णय उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षक संघ की प्रांतीय कार्यकारिणी की बैठक में लिया गया है। इसके अलावा संसद के मानसून सत्र के दौरान दिल्ली के रामलीला मैदान में धरना प्रदर्शन और संसद कूच का आयोजन किया जाएगा। इसमें लाखों शिक्षक कर्मचारी प्रतिभाग करेंगे। यूपी के बेसिक शिक्षा विभाग के जिन शिक्षकों का आवेदन करने के बाद भी तबादला नहीं हो सका है, उनके लिए सरकार एक और मौका लाएगी। इसके लिए एक जिले से दूसरे जिले के परस्पर तबादले हेतु पोर्टल जल्द शुरू किया जाएगा। इससे समान तबादलों में सफल न होने वाले शिक्षकों के लिए भी अपने जिले में जाने का अवसर मिलेगा। बेसिक शिक्षा परिषद के सचिव प्रताप सिंह बघेल ने इसको लेकर सभी जिलों के बीएसए को पत्र भेज दिया है। इसमें कहा गया है कि एनआईसी जल्द ही इन तबादलों के लिए पोर्टल लाइव करने जा रही है, ऐसे में संबंधित आवश्यक कार्रवाई पूरी कर ली जाए। विभागीय अधिकारियों ने बचाने की बहुत कोशिश की, लेकिन सीएम योगी आदित्यनाथ के आगे उनके सारे दांव पेच विफल हो गए, जिसके बाद हरदोई के टेजरी घपले के आरोपी वित्त सेवा के दो अधिकारियों को बर्खास्त कर दिया गया है। यह मामला 5.45 करोड़ के पेंशन घपले का है। बर्खास्त हुए इन अधिकारियों में पहला नाम हरदोई के तत्कालीन वरिष्ठ कोषाधिकारी दीपांकर शुक्ला और दूसरा नाम देवी प्रसाद का है। यह दोनों इस समय निलंबित चल रहे थे। एक और संयोग है कि दीपांकर शुक्ला 30 जून को रिटायर होने वाले थे, उसके ठीक एक दिन पहले उन पर बर्खास्तगी की गाज गिरी है। बता दें कि हरदोई में वर्ष 2009 से 16 के बीच यह घपला हुआ था। इसमें फर्जी पेंशन ऑर्डर तैयार करके खातों में राशि भेजी गई थी। इतना ही नहीं, वास्तविक पेंशनरों के नाम के आगे फर्जी खाता संख्या दर्ज कर घालमेल भी किया गया था। दीपांकर शुक्ला हरदोई में अगस्त 2010 से जून 2015 तक और अगस्त 2015 से जुलाई 2017 तक देवी प्रसाद हरदोई कोषागार में वरिष्ठ कोषा अधिकारी के पद पर तैनात रहे थे। खुलासा होने पर इसकी जांच 2020 में शुरू हुई थी। वित्त विभाग के बड़े अधिकारियों ने इन दोनों को कड़ी कार्रवाई से बचाने के लिए एक वेतनमान पद वनत करने का प्रस्ताव किया था। इस पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने सवाल किया था कि आप प्रस्तावित दंड अपराध को देखते हुए पर्याप्त है। इसके बाद मुख्यमंत्री के निर्देश पर दोनों को बर्खास्त करने के आदेश जारी कर दिए गए हैं। बात मन को व्यथित करने वाली है, लेकिन हैरत अंगेज भी है कि कैसे एक सास ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म यूट्यूब से तमंचा चलाना सीखने के बाद अपनी बहू को गोली मारकर मौत के घाट उतार दिया। पुलिस ने सास को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। यह मामला यूपी के गजरौला के गंगानगर मोहल्ले का है। दहेज की मांग पूरी ना होने पर राधिका अपने बेटे अमित की पत्नी कोमल को तरह तरह से प्रताड़ित किया करती थी। राधिका की मंशा किसी भी तरह कोमल से छुटकारा पाने की बन गई थी। इसके लिए सास ने अपनी बहू की हत्या करने के लिए पूरे परिवार के साथ योजना बनाई। योजना को अंजाम देने के लिए राधिका ने यूट्यूब पर तमंचा चलाना सीखा। उसके बाद सोते समय बहू कोमल के माथे पर गोली दाग कर मौत दे दी। पुलिस ने यह खुलासा राधिका के मोबाइल से किया। पुलिस के अनुसार राधिका के मोबाइल की ब्राउजिंग हिस्ट्री में लिखा मिला है कि तमंचा कैसे चलाया जाता है, जिसके साथ साथ कोई परेशान करे तो उससे छुटकारा पाने के लिए क्या करना चाहिए, यह भी लिखा पाया गया है। उत्तर प्रदेश खास तौर पर अवध के जिलों में मानसून आंख मिचौली खेल रहा है। बारिश की बूंदें आती हैं, चली जाती हैं, इसके चलते गर्मी और उमस कम नहीं हो रही। आम लोगों से लेकर किसान तक बादलों से आस लगाए बैठे हैं कि कब जमकर बरसेंगे। मौसम विभाग का पूर्वानुमान सच हुआ तो शुक्रवार से पूरे प्रदेश में मानसूनी बारिश तेज हो जाएगी। 2 जुलाई तक राजधानी लखनऊ समेत यूपी के अधिकांश जिलों में मध्यम से भारी बारिश होने की संभावना है। मौसम विभाग ने 30 जून को भारी वर्षा का अनुमान करते हुए तराई बेल्ट से जुड़े सभी जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग द्वारा जारी पूर्वानुमान के मुताबिक 1 और 2 जुलाई को सीतापुर, हरदोई, बहराइच, बाराबंकी आदि जिलों में भारी बारिश हो सकती है। 30 जून और 1 जुलाई को भी सीतापुर, लखीमपुर खीरी, बहराइच, बाराबंकी आदि कई जिलों में भारी बारिश का पूर्वानुमान है। धार्मिक उन्माद फैलाने के मामले में एक पूर्व विधायक के बेटे को पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। यह घटना यूपी के बदायूं जिले की है। बदायूं के शेखुपुर से पूर्व विधायक मुस्लिम खां के बेटे अबू तलहा पर एक छात्र ने धार्मिक अशोभनीय पोस्ट का आरोप लगाते हुए
पुलिस के ट्विटर हैंडल पर शिकायत दर्ज कराई थी। इसके बाद बदायूं के थाना अलापुर की पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर अबू तलहा को शांति भंग की धाराओं में गिरफ्तार कर लिया। पुलिस इंस्टाग्राम की आईडी पर शेयर की गई पोस्ट की जांच कर रही है। कहीं आपने राजकुमारियों पर भी चोरी के आरोप लगते हुए या फिर चोरी के आरोप में मुकदमा कायम होते देखा और सुना है? अगर नहीं तो ऐसा ही एक मामला यूपी के बनारस जिले से सामने आया है। इस मामले में काशी स्टेट की राजकुमारियों पर चोरी के आरोप में मुकदमा दर्ज किया गया है। वाराणसी में काशी स्टेट का रामनगर किला है। इस किले के सुरक्षा अधिकारी राजेश शर्मा की तहरीर पर काशी राजघराने की बड़ी राजकुमारी विष्णुप्रिया, छोटी राजकुमारी कृष्णप्रिया और उनके बेटों पर धारा 380, 454 और 120 बी के तहत केस दर्ज किया गया है। इन राजकुमारियों पर आरोप है कि उन्होंने कुंवर अनंत नारायण सिंह के कमरे का ताला तोड़कर फर्नीचर, बेड सहित अन्य सामान गायब कर दिया है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। गांधीवादी विचारधारा का केंद्र रहा वाराणसी का सर्व सेवा संघ भवन अब विवादों का अखाड़ा बन गया है। इसकी वजह है कि रेल अफसरों ने इसके ध्वस्तीकरण का नोटिस चस्पा कर दिया है। हालांकि इसे लेकर सर्व सेवा समिति की ओर से इलाहाबाद हाई कोर्ट में दाखिल याचिका पर कोर्ट 30 जून को सुनवाई कर अपना फैसला सुनाएगी। बता दें कि सर्व सेवा संघ भवन की जमीन को लेकर रेलवे और गांधी के अनुयायियों में आर पार की जंग छिड़ गई है। कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी का ट्वीट सामने आने के बाद अब इस पर देशव्यापी विरोध शुरू हो गया है। भूदान आंदोलन के जनक और भारत रत्न आचार्य विनोबा भावे द्वारा चंदे से जुटाए गए पैसों से सर्व सेवा संघ ने 63 वर्ष पहले यह जमीन खरीदी थी। सर्व संघ का दावा है कि यह जमीन उत्तर रेलवे से खरीदकर भवन निर्माण कराया गया था। करीब 12.5 एकड़ में फैले सर्व सेवा भवन में गांधीवादी विचारधारा से जुड़े करीब 250 लोग रहते हैं। यहाँ पर महात्मा गांधी, आचार्य विनोबा भावे और जयप्रकाश नारायण से लिखी तमाम पुस्तकें और यादें भी मौजूद हैं। सर्व सेवा संघ का आरोप है कि वाराणसी के डीएम एम राजलिंगम ने अभिलेखों और नियमों की अनदेखी करते हुए रेलवे के पक्ष में एक तरफा आदेश पारित कर दिया है, जिसके बाद रेलवे ने आनन फानन में सर्व सेवा संघ परिसर के ध्वस्तीकरण की नोटिसें वहां पर चस्पा कर दी हैं। इन नोटिसों में सर्व सेवा संघ भवन पर 30 जून को ध्वस्तीकरण के लिए बुलडोजर चलाने का अल्टीमेटम दिया गया है। मामला अदालत पहुंचने के साथ ही यहां पर गांधीवादी विचारधारा से जुड़े लोगों सहित दिल्ली के जेएनयू और डीयू के छात्रों, प्रोफेसरों सहित तमाम साहित्यकारों का जमावड़ा शुरू हो गया है। केंद्र की मोदी सरकार द्वारा यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी समान नागरिक संहिता कानून लाने की बात कही जा रही है। इसे लेकर विरोध के स्वर भी तेज होने लगे हैं। यूपी के संभल से सपा सांसद और अक्सर अपने विवादित बयानों के लिए चर्चित डॉक्टर सफीकुर रहमान बर्क ने इसे भाजपा का ड्रामा बताया है। सपा सांसद ने कहा कि देश जल रहा है, जगह जगह झगड़े हो रहे हैं और मुसलमानों को धमकियां दी जा रही हैं। क्या यह देश किसी के बाप का है? मुसलमान अपने मजहब के मुताबिक जिंदगी गुजारेगा। समान नागरिक संहिता पर समाजवादी पार्टी के सांसद डॉक्टर सफीकुर रहमान बर्क ने कहा, सरकार का कोई भी फैसला नहीं मानेंगे। मुस्लिम क्या हमारे मजहब का मामला है? हम सिर्फ अपने उलेमा मुफ्तियों का फैसला ही मानेंगे। सरकार को हमारे मुफ्ती और उलेमा से बात करनी चाहिए। वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का, आप देखते रहिए खबरनामा। स्टडीवेल ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस सीतापुर, स्टडीवेल पब्लिक स्कूल विजयलक्ष्मी नगर, स्टडीवेल सीनियर सेकेंडरी स्कूल लखीमपुर रोड सीतापुर, affiliated to CBSE Board New Delhi, world class infrastructure, NCC for boys and girls, blessed by Honorary President of India and Governor of UP, state of the art labs, school cinema, ultra modern teaching support, digital classrooms. Studywell Group presents ITI and Pharmacy College. अग्रवाल पब्लिक इंटर कॉलेज विजय लक्ष्मी नगर सीतापुर क्रिएट्स हिस्ट्री अगेन। आवर इंटरमीडिएट टॉपर वेंकटेश मौर्य गॉट फर्स्ट रैंक इन सिटी एंड नाइन्थ रैंक इन डिस्ट्रिक्ट। आवर हाई स्कूल टॉपर इजरा आजमी गॉट थर्ड रैंक इन सिटी। आवर थ्री स्टूडेंट्स अंकित कुमार विश्वकर्मा, हिमांशु मिश्रा एंड विकास आनंद गौतम गॉट सेलेक्टेड इन सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब। Admission open for session 2023-2024. Our other institution is Shivam Agarwal Memorial Degree College, BA, BCom, DLED, CCC and O level. So hurry up. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के अवैध धर्मांतरण के पीछे अंतरराष्ट्रीय वाले बयान पर सपा हमलावर है। मुरादाबाद के
कुंदरकी से सपा विधायक जियाउर रहमान बर्क ने सीएम के इस बयान को लेकर पलटवार किया है। विधायक ने कहा कि इसका मतलब यह हुआ कि आपकी एजेंसियां फेल हैं या फिर आप लोगों को मुद्दों से भटकाकर हिंदू मुस्लिम के बीच खाई पैदा करना चाहते हैं। सपा विधायक ने कहा कि अब लोगों को रोजगार, कारोबार और विकास चाहिए। सपा विधायक ने यह भी कहा कि जिस तरह पूरा विपक्ष लामबद्ध हो रहा है, इससे भाजपा को एहसास हो गया कि अब इनकी सरकार नहीं आने वाली। सहारनपुर के जिला अस्पताल से डिस्चार्ज होने के पहले भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर ने यूपी की कानून व्यवस्था को फेल बताते हुए कहा कि मुख्यमंत्री को इस्तीफा देना चाहिए। अपने ऊपर हुए हमले को लेकर उन्होंने कहा कि हमले में सरकार और पुलिस की भूमिका संदिग्ध है, अपराधियों को सत्ता संरक्षण हासिल है। सीएम इस घटना पर कुछ नहीं बोले। चंद्रशेखर ने कहा कि जांच होने पर पता चल जाएगा कि इसमें कौन सफेदपोश और कौन खाकी वाले शामिल हैं। भीम आर्मी चीफ ने बसपा सुप्रीमो मायावती को लेकर कहा कि वह व्यस्त रही होंगी, इसलिए उनका कोई बयान नहीं आया। उन्होंने यह भी कहा कि भाजपा विपक्ष के लोगों की गोली से दबाना चाहती है। क्या कभी आपने किसी के बच्चों को 500 के नोटों की गड्डियों के साथ खेलते या वीडियो बनाते देखा है? अगर नहीं तो आज हम आपको ऐसा ही एक वीडियो दिखाते हैं। यह वीडियो यूपी पुलिस के एक थानेदार के बच्चों का बताया जा रहा है। बताते हैं, यह वीडियो उन्नाव के बेहटा मुजावर थाने के थानेदार रमेश चंद साहनी के घर का है और तस्वीर में नोटों की गड्डियों के साथ नजर आ रहे बच्चे दरोगा के हैं। बहरहाल फोटो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद एसपी ने डीएसपी को मामले की जांच सौंप दी है। वहीं जांच के घेरे में आए दरोगा रमेश चंद साहनी का कहना है कि यह वीडियो 2 साल पुराना है और इसमें दिख रहे रुपए उन्होंने मकान खरीदने के लिए जुटा कर रखे थे। बहरहाल दरोगा की सफाई उनके काम नहीं आई है। एसपी ने दरोगा रमेश चंद साहनी को लाइन हाजिर कर दिया है। अब खबरें जनपद सीतापुर से। महत्वपूर्ण पर्यटन स्थलों के सौंदर्यीकरण में भी जिम्मेदार किस तरह घपलेबाजी करते हैं, इसका नमूना सीतापुर डीएम अनुज सिंह ने अपनी आंखों से देखा तो नाराज हो उठे। मामला रेवसा ब्लॉक के अंतर्गत अजयपुर झील पर चल रहे सौंदर्यीकरण के कार्यों का है। तंबौर जा रहे डीएम अनुज सिंह और एसपी गुले सुशील चंद्रमान का काफिला अजयपुर झील पर पहुंचकर रुक गया। यहां पर 5 मिनट के निरीक्षण में ही डीएम अनुज सिंह ने सौंदर्यीकरण के नाम पर चल रहा खेल पकड़ लिया। इसके बाद डीएम ने कराए गए कार्यों को नाराजगी जताते हुए वहीं से वीडियो रेवसा विवेक मठ त्रिपाठी को फटकार लगाते हुए 1 सप्ताह में सभी कार्य मानक के अनुसार कराने का निर्देश दिया। बता दें कि क्षेत्र पंचायत निधि के करीब 10 लाख रुपए से 3 माह को अजयपुर झील पर कई कार्य कराए गए। इनमें बैठक हॉल, वॉश टावर, रेलिंग, पक्का घाट आदि कार्य किए गए हैं। डीएम ने इन सभी कार्यों की गुणवत्ता के साथ झील की दशा पर भी काफी नाखुश हुए। इस दौरान तहसीलदार अविचल प्रताप सिंह और ग्राम प्रधान संजीव मिश्रा आदि मौजूद रहे। पंचायत सचिव अमित साहू और पंचायत सहायक की मिली भगत से बिना किसी सत्यापन से 1121 मजदूरों के नाम जाब कार्डों से डिलीट कर दिए जाने का मामला जिले से लेकर राजधानी तक पहुंच गया है। यह मामला ब्लॉक मिश्री की ग्राम सभा बीकासुर ग्रंट का है। यहां पर सचिव और पंचायत सहायक ने गरीब मजदूर जो मनरेगा में काम करके अपनी रोजी रोटी चला रहे थे, उनके 1121 जॉब कार्ड डिलीट कर दिए हैं, जिसके बाद इन मजदूरों को काम मिलना बंद हो गया है। रोटी के लाले पड़ने के बाद परेशान होकर इन मजदूरों ने IGRS लोकपाल और CDO को शिकायती पत्र भेजकर उचित कार्यवाही किए जाने की मांग की है। समूचे सीतापुर जिले में मुसलमानों द्वारा बकरीद का पर्व मनाया गया। इस दौरान जिले के सभी ईदगाहों और मस्जिदों में नमाज अदा कर कौमी यकजहती और वतन की सलामती और खुशहाली की दुआएं मांगी गई। सीतापुर नगर की प्रमुख नमाज तरीनपुर रोड स्थित ईदगाह में पढ़ी गई। इसे पेश इमाम मौलाना शौकत कासमी ने पढ़ाया। यहां पर डीएम अनुज सिंह, एसपी गुले सुशील चंद्रभान, सिटी मजिस्ट्रेट अमृता सिंह, सीओ सिटी सुनील सिंह सहित कई अधिकारी मौजूद रहे। ईदगाह पर पूर्व जिला पंचायत उपाध्यक्ष मुनिंद्र अवस्थी, पूर्व विधायक अनूप गुप्ता सहित कई गणमान्य भी मौजूद रहे। इसी तरह से जिले की सभी 7 तहसीलों सदर, महौली, मिश्रिक, सिधौली, बिस्वा, लहरपुर, महमूदाबाद में भी बकरीद का पर्व हर्षोल्लास व शांतिपूर्वक मनाया गया। इस दौरान जिले के तमाम ग्रामीणों में भी नमाज पढ़ी गई और कुर्बानी दी गई। कुल मिलाकर पूरे जिले में बकरीद का पर्व शांतिपूर्वक संपन्न हुआ। शांति और सुरक्षा व्यवस्था को लेकर डीएम अनु सिंह और एसपी गुले सुशील चंद्रमान सुबह से ही भ्रमणशील रहे। तहसीलों में व्यवस्था की कमान संबंधित SDM और CO के हाथों में रही। वहीं सभी थाना क्षेत्रों में थाना प्रभारीगढ़ पुलिस के बल के साथ भ्रमण करते रहे। सीतापुर रेलवे स्टेशन पर राजकीय रेल के पुलिस के उपनिरीक्षक रामस्वरूप चौहान व रेलवे सुरक्षा बल सीतापुर के उपनिरीक्षक कमलेश कुमार यादव और सहायक उपनिरीक्षक
अशोक कुमार मिश्रा द्वारा नारी सशक्तिकरण जागरूकता अभियान चलाया गया। ब्लॉक कसमंडा क्षेत्र से देवघर स्थित वैजनाथ धाम में कांवड़ चढ़ाने के लिए श्रद्धालुओं का एक जत्था गया हुआ है। गुरुवार को यह जत्था स्थानीय सुल्तानगंज घाट पर गंगा जी में स्नान करने के बाद गंगा जल से कांवड़ भरकर हर हर महादेव का जयकारा करते हुए नंगे पैर वैजनाथ धाम के लिए रवाना हुआ। कांवड़ चढ़ाने के बाद यह जत्था घर वापसी करेगा। इस मौके पर रामू सिंह प्रधान महोली, धर्मेंद्र सिंह, पूरेन सिंह चौहान, बादशाह सिंह, श्रीपत मिश्रा, अनु सिंह, संतोष राठौर आदि कई शिवभक्त मौजूद रहे। विधानसभा क्षेत्र बिस्वा के ग्राम संत रहा में महावीर तिवारी के निवास पर श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन किया जा रहा है। गुरुवार को क्षेत्रीय विधायक निर्मल वर्मा भी कथा में पहुंचे और आशीर्वाद प्राप्त करते हुए प्रसाद ग्रहण किया। इस मौके पर अमर वाजपेयी, ऋषि मिश्रा, दिनेश कुमार सिंह, संतोष मिश्रा, पंकज मिश्रा, सन्नी उदन तिवारी, सुग्गा तिवारी, पंकज तिवारी आदि मौजूद रहे। भाजपा के महाजनसंपर्क अभियान में बिस्वा विधायक निर्मल वर्मा ने कसमंडा ब्लॉक के अंतर्गत ग्राम पंचायत छरासी के मजरा रूढ़ा पहुंचे। इस दौरान विधायक ने अमर शहीद परमवीर चक्र विजेता कैप्टन मनोज पांडे के परिजनों के साथ सभी ग्रामवासियों से जनसंपर्क करके केंद्र की मोदी सरकार के 9 वर्ष पूर्ण होने पर सरकार की उपलब्धियों का बखान किया। इस मौके पर जयशंकर पांडे, अनंत राम पांडे, आदर्श पांडे, अभय सिंह चौहान, सतीश मिश्रा, विपिन दीक्षित, लालता सिंह, संदीप शुक्ला, मनोज यादव आदि मौजूद रहे। अब खबरें जनपद लखीमपुर खीरी से। मौसम विभाग द्वारा जारी अलर्ट को देखते हुए लखीमपुर जिला प्रशासन भी अलर्ट मोड में आ गया है। भारी बारिश के अलर्ट को देखते हुए जिला प्रशासन ने जनता से अपील की है कि वह कच्चे और पुराने मकानों से दूर किसी सुरक्षित स्थान पर शरण ले। बारिश के समय में बिजली के खंभों और तारों से दूरी बनाकर रखे। यूपी के अल्पसंख्यक कल्याण एवं मुस्लिम वक्फ विभाग की अपर मुख्य सचिव मोनिका एस गर्ग जनपद खीरी पहुंची। वहां उन्होंने अल्पसंख्यक विभाग से संबंधित प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम योजना के तहत निर्माणाधीन राजकीय आईटीआई फूल बेहड़ का निरीक्षण किया। इस दौरान कार्यदायी संस्था यूपीआरएनएसएस के सहायक अभियंता ने 70% कार्य पूर्ण होना बताया। एसीएस ने कार्यदायी संस्था को गुणवत्तापूर्ण कार्य करने के निर्देश दिए। एसीएस ने निर्माणाधीन राजकीय आईटीआई बाकेगंज, धौरहरा एवं राजकीय पॉलिटेक्निक लखीमपुर में वर्कशॉप को शीघ्र क्रियाशील कराए जाने के निर्देश कार्यदायी संस्था एवं जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी को दिए। एसीएस ने जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी दफ्तर का भी निरीक्षण किया। निरीक्षण में कार्यालय की साफ सफाई एवं व्यवस्थित अभिलेखों का संतोषजनक बताया। एसीएस मोनिका एस गर्ग ने डीएम महेंद्र बहादुर सिंह और सीडीओ अनिल कुमार सिंह ने शिष्टाचार भेंट की। निरीक्षण के समय एसडीएम सदर श्रद्धा सिंह, जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी वीरपाल उपस्थित रहे। पूरे लखीमपुर जनपद में कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच ईद उल अजहा की नमाज शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हुई। नमाज के बाद लोगों ने एक दूसरे को बधाई दी एवं गले मिले। इस मौके पर शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए डीएम महेंद्र बहादुर सिंह, एसपी गणेश प्रसाद साहा सहित एसडीएम, सीओ और थाना प्रभारी भ्रमणशील रहे। लखीमपुर खीरी की समाज सेवाओं में अग्रणी संस्था ओजस्विनी फाउंडेशन ने एक बेहद गरीब परिवार की प्रतिभाशाली छात्रा काव्या कपूर को पढ़ाई में लैपटॉप की आवश्यकता को देखते हुए आर्थिक मदद की। इस आर्थिक मदद को पाने के बाद काव्या कपूर के परिवार ने ओजस्वी फाउंडेशन को धन्यवाद देते हुए कहा कि अब हमारी बच्ची और अच्छे से पढ़ाई कर परिवार और देश का नाम रोशन करेगी। इस दौरान डॉक्टर सालू गुप्ता, अनुश्री प्रतिमा, अंशु मित्तल, मीरा आदि मौजूद रही। लखीमपुर रेलवे स्टेशन जल्द बदले हुए रूप में नजर आएगा। कारण है कि रेल स्टेशन के सौंदर्यीकरण के लिए 8 करोड़ 30 लाख रुपए खर्च किए जाने की मंजूरी मिल गई है। इस कार्य के तहत रेलवे स्टेशन पर 12 मीटर चौड़ा फ्लाईओवर बनाया जाएगा। इस कार्य की जानकारी मंडल रेल इंजीनियर मानसी मित्तल ने स्टेशन का निरीक्षण करते हुए दी। उन्होंने कहा कि प्राप्त धनराशि से स्टेशन सौंदर्यीकरण, अच्छी लाइटिंग, कोच गाइडेंस सिस्टम, ट्रेन डिस्प्ले बोर्ड, डिजिटल घड़ियां, यात्री उद्घोषणा प्रणाली, सोलर प्लांट, वाटर कूलर सहित यात्री प्रतीक्षालय के शौचालयों का आधुनिकीकरण भी किया जाएगा। यह था आज का खबरनामा। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।